इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर कॉइल गिवन है जिसमें 25 टर्न्स हैं, रेडियस आपको गिवन है तो एरिया भी आपको गिवन है, करंट इसमें 10 एम्पियर है, इसको सस्पेंड कर दिया वर्टिकली, धागे से ऐसे सस्पेंड कर दिया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, फाइन फोर्स एंड टॉर्क और इन विच डायरेक्शन शुड अ बैलेंसिंग टॉर्क बी अप्लाई टू प्रिवेंट कॉइल फ्रॉम टर्निंग। पहले मुझे एक बात बताओ, इसमें एरिया वेक्टर कहाँ है? बाहर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आए। बी वेक्टर कहाँ है? इधर, बी में और एरिया में एंगल क्या है? 90। टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम एन बी आई ए साइन 90। तो टॉर्क इसमें मैक्सिमम आएगा, एक आंसर आ जाएगा। फोर्स क्या लगेगी इस पूरे लूप पे? जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि हमने डेरिवेशन की थी, एक फोर्स अंदर तो एक फोर्स बाहर, तो नेट फोर्स जीरो। फिर वो कह रहा है कितना टॉर्क लगाऊं ताकि घूम ना पाए, तो तुम पहले एक टॉर्क निकाल लो इसमें, इतने टॉर्क से वो घूम पा रहा था तो इतना ही, और कैसे घूम रहा था? आपको याद होगा डेरिवेशन में हमने रेक्टेंगल लूप लिया था, इस पे करंट अंदर लगा था, इस पे करंट बाहर था, तो ये कैसे घूम रहा था? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हें ऑपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ताकि ये घूम ना पाए, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिमेन्स सेम। ये इसका आंसर है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इसका आंसर देना है? कोई डाउट इसमें?